से 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 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार मानवता के हक में। आज सुबह फजर के बाद मुझे ये यहाँ से मेरे साथ वाले का फोन आया, मुजीब किले में रहता मुजीब भाई, उसने फोन किया कि अल्लामा पुल के सामने बाग महमूद में एक कुएं में एक शख्स कल परसों रात से गिरा हुआ है और उसे निकालना है। मैं उस वक्त तो ड्यूटी पर नहीं था, घर पर था। फौरन मैं मेरी बाइक लेकर मौके वारदात पर पहुंचा और मौके का जायजा लिया और वक्त पर उसे देख करके कुएं में कम से कम 80-90 फीट कुआ है, उसमें वो शख्स दिख रहा था। मतलब वो ऐसा बताया गया कि फिर मैंने अल्लाह की मदद से नीचे उतर कर उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाल कर डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल भिजाया। उस वक्त मौके वारदात पर हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब और मुजीब भाई तैराकी वहाँ मौजूद थे और छावनी पुलिस स्टेशन के PI वो वाडीले साहब और बाकी कांस्टेबल वहाँ मौजूद थे। मौके वारदात पर डेड बॉडी मैंने पानी मसल बड़ी मुशक्कत के साथ निकाल कर बॉडी को सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया। शफीक भाई एंटी करप्शन वो लोग जाके लेके सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। सुबह के वक्त मुझे इन्होंने ही फ़ोन किया था, मुझे भाई और शफीक भाई ने कि हाँ यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, एक बॉडी है उसे निकालना है। मैं मौके वारदात पर पहुँच कर बॉडी को रेस्क्यू कर निकाल वार्शिंग के हवाले कर सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। सो लक्ष्मण चौधरी बाग महमूद के सामने नवी स्कूल बनी है उसके सामने वो रहता था और उसके रिश्तेदारी का खेत था सर वो, और वो ऐसा बताया गया मुझे उनके रिश्तेदारों ने कि एतवार के दिन शाम को 3 बजे से ये शख्स घर से गायब हो गया था। उसे बहुत सब जगह तलाश किया गया लेकिन नहीं मिला और आज सुबह कुछ लोगों ने उसे बॉडी में दिखा, तो फिर वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया तो हमने रेस्क्यू करके मैंने निकाल के दिया। मानव समाचार में बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आज बरोज मंगल किले में अल्लामा इकबाल पुल के पास नदी से बिल्कुल लगकर एक खेत में इस बॉडी के अंदर ये आदमी की लाश किसी को दिखाई दी। उन लोगों ने इस वार्ड के सोशल वर्कर अबू बकर और उनकी टीम को फ़ोन किया। अबू बकर भाई ने मुझे कॉल किया सुबह फजर के बाद कि शफीक भाई रात में एक बंदा इस कुएं में गिर गया है, ऐसा ऐसा मामला है, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ पर जा रहे हैं उसको निकालने के लिए। मैंने वहीं से फिर शकील भाई को फ़ोन किया, फिर ये भाई लोग को भी बोला कि आप लोग भी शकील भाई को कॉल करो, और उसके बाद छावनी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया। छावनी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने के बाद में यहाँ पर शकील भाई, मैं और ये अबू बकर भाई, ये लोग सब आए। आने के बाद शकील भाई ने काफ़ी मेहनतों से इस कुएं में उतर कर इस लाश को निकाला। पता चला है कि इस खेत मालक के ही कोई रिश्तेदार या खेत मालक ही हो सकता है। इनको निकालने के बाद छावनी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया। छावनी पुलिस स्टेशन के IO साहब और PSI साहब ये लोग यहाँ पर आए। आने के तुरंत बाद उन्होंने इनकेस वगैरह भरा। अब यहाँ से डेड बॉडी निकाल कर हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहाँ से जो भी इसका इनकेस पंचनामा वगैरह करने के बाद इनके घर वालों के ताबे में इनकी लाश को दे दिया जाएगा।